देखिए, एक बात है कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री रहने से ही हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन गलत है। माइनॉरिटी को जो माइनॉरिटी आदमी कौन, मिनिस्ट्री यानी कि माइनॉरिटी मुस्लिम आदमी रहना है, क्रिश्चियन आदमी रहना है, तो तब हो रहा है, इस गलत है। जो कुछ भी अभी येडियुरप्पा जी ने अगर चाहे वैसा रहा तो बाद में मौलाना लोगों को, जो मौजन लोगों को 2,000 रुपये देने का डिसाइडेशन नहीं ले सकते करते थे। हमारा काम है, माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे मुजम्मिल बाबू है और हम है और हमारे अजीम साहब है, हमारे रऊफुद्दीन कचेरी वाले है, सैयद सलाम है, अंतोनी है, नयाज पशा है, नियाज नजीर है, सब लोग भी मिलके हम लोग, हमारे वरिष्ठ, हमारे माजी अध्यक्ष, हमारे मोहसिन साहब भी थे, सब लोग मिलकर हमारी मांग ये रह चुकी है कि हमारे अल्पसंख्यक लोगों को जो कुछ भी डिफ्रेंशिएट ना करते हुए हमें भी हक दे बोल के वो उन्होंने दे रहे हैं, उसमें कुछ ये नहीं है। मिनिस्ट्री उतना ही चाहिए बोल के ऐसा कुछ, उसमें मिनिस्ट्री चाहिए यह हक है हमारा, हमें चाहिए, हमें वो मांग रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री देने से ही पूरा हल होगा ये नहीं है, हल हो रहा है और सीएम की रूबरू बाकायदा रख रहे। हम लोग पूरे अजीम साहब हो, पठान साहब हो, मैं, सलाम साहब, अनिल थॉमस, नज़ीर साहब हो, मोहसिन मोइन साहब, मोहसिन साहब, रहमान साहब हैं, सब मिलके जाके एक टीम जाके बाकायदा हमारी दरख्वास्त पेश करेंगे सीएम के सामने, अर्जी एक एक दो दिन के अंदर लेंगे, टीएम से सीएम से टाइम लेने के बाद में जो है बाकायदा हम लोग जाके सीएम को मुलाकात करके अप्रोच करके हमारे जो भी तकलीफात हैं, हम डिमांड्स क्या हैं सर? हमारे मेन डिमांड जो है कि आप जैसे बताए थे कि एक हमारे महिंद कैबिनेट में एक हम मुसलमानों को भी एक नुमाइंदगी दें, हाँ, और हर जगह जो है न सिर्फ के माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में KMDC एक ही जगह मुसलमानों को कैद करके रखने के बजाय हर इसमें बोर्ड्स में, हर डिपार्टमेंट में एक एक मुसलमान, एक एक क्रिश्चियन, एक एक माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सबको, सरदार जी हैं, सिख्स हैं, सबको एक एक जगह नुमाइंदगी देने से जो है माइनॉरिटीज के एक देश भर में एक अच्छा मैसेज जाएगा बोल के हमें तवक्को रखते हैं सीएम साहब से, और सेंट्रल से भी यही तवक्को रख रहे हैं कि इंशाल्लाह होगा। अब सेंट्रल की भी माइनॉरिटीज के बहुत सारे स्कीम्स हैं, वो भी हम लोग KMDC के थ्रू मालूमात करा के जो है सेंट्रल से भी फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, और हमारी कौम आगे बढ़कर आना चाहिए, आगे बढ़कर आके जो है इसका फायदा भरपूर उठाना चाहिए। कर रहे हैं तरक्की को देखकर, अगर यहाँ पर एक मिनिस्ट्री पोस्ट दिया जाता है तो और भी ज्यादा तादाद में लोग आने के चांसेस हैं, देखिए दिया जाता है तो इनके साथ सरासर नाइंसाफी हो सकती है। नहीं, एक चीज आपको बताता हूँ, ये लफ्ज जो नाइंसाफी है इसके साथ इसके मुखालिफ हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि जो है अगर मिनिस्ट्री ना भी दिए, अब तक दिए मुमताज अली खान साहब को BJP में जो है येडियुरप्पा साहब वादा किए थे कि एक माइनॉरिटी से और एक SCA से मैं लेके मिनिस्ट्री फॉर्म करूंगा बोल के, वैसे ही गोविंद करजोल को और मुमताज अली खान साहब को लिए थे, लेकर काम करा है, और मुमताज अली खान साहब के पीरियड में एक तारीखी काम हुआ जो हज कमेटी हज घर बनाए, हज घर बनाने में जो है शायद ना कांग्रेस आगे बढ़कर आई थी ना JDS आगे बढ़कर आई थी, तो BJP जो है पहली पार्टी है जो हज घर बनाकर मुसलमानों के लिए थी। आज मुसलमानों के 200 करोड़ से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी है, और सारे हिंदुस्तान में हज घर के मिसाल कोई भी नहीं है, और माइनॉरिटीज़ को जो है येडियुरप्पा साहब उलमा को जो है और मौजन को जो है वजीफे दिए हैं, बाकायदा हर माइनॉरिटीज़ का काम खुलकर काम कर रहे हैं, वो माइनॉरिटीज को शिकायत का ही मौका नहीं दे रहे। BJP जो है भारतीय जनता पार्टी कौमवादी पार्टी हरगिज नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि मुमताज अली खान साहब के पीरियड में जब वो मिनिस्टर थे तो एक तारीखी काम हुआ, तो आज भी अगर मिनिस्ट्री पोस्ट माइनॉरिटीज को दी जाती तो आज भी तारीखी काम होने के चांस? देखिए हम लोग तारीखी काम हो रहे हैं, तारीखी काम हो रहे हैं, माइनॉरिटीज को मिनिस्ट्री देना बोल के जो आप बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं एक हमारे कौम से सवाल कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतना माइनॉरिटीज के हक में आ रही है, ट्रिपल तलाक का मसला ले लो, ट्रिपल तलाक अबालिश किए, कितने लाखों जिंदगियां बच गए, बैको बच्चों की जिंदगियां बच गए, बच्चे माँ बाप होते हुए भी यतीम यसीर होने से बच गए, ये सब क्या है BJP की तरफ से? फायदा नहीं है कौम के लिए। तो एक तरफ से NRC NPR को भी लाकर रख दे रहे हैं, NRC NPR उसमें हमारे जो इंडिया के जो बाशिंदे हैं उनके लिए किसी किस्म का नुकसान नहीं है, NRC हो और इसे CAA हो, किसी से भी जो है यहाँ के मुसलमानों को जो यहाँ के बाशिंदे जो भी हैं
उनको हर हाल में खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड भी यहाँ के हैं, वोटर आई डी कार्ड भी यहाँ के हैं, सब की यहाँ के। बांग्लादेश से जो माइग्रेट हुए हैं उन लोगों के लिए खतरा है, इसमें जो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है ना, तो उसके लिए जो है हर तरीके से हम लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि जितने भी इंडिया के मुसलमान हैं, ना सिर्फ के कर्नाटका के, इंडिया के मुसलमानों का हकूक पामाल ना होंगे, इंशाल्लाह इतना तो हम बोल सकते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, अमित शाह जी की तरफ से भी, बी एस येडियुरप्पा साहब की तरफ से भी, एस आर बम्बई साहब, स्वराज बम्बई साहब की तरफ से भी जो है बाकायदा मुसलमानों के हकूक तहफ़ होंगे और महफूज होंगे, ये यकीन रख के मान के चलो आप। हमारी कोशिश है, ये नहीं कि हमारी मांग है जब बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएंगे, हम बाकायदा बम्बई साहब से और हमारे जो सेंट्रल के लीडर से उनसे हमारी मांग रखे हैं कि हमारे एक महीना आर्टिस्ट का एक बाशिंदे को किसी भी को उम्मीद है, उम्मीद कवि है, अल्लाह ताला से जब उम्मीद रखते हैं तो बंदे से उम्मीद नहीं रखते क्या? उम्मीद कवि है, उम्मीद कवि है, अगर दे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ना दे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमारे हकूक जो है बाकायदा हमारे डोर स्टेप्स पे आके मिल रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से बेहतरीन काम हो रहा है।